इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके ऑथर हैं महात्मा गांधी, और ये बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में रखा है जो ऑलरेडी बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये अपने आप में एक एसे है, एक निबंध है, और जिसके लेखक रहे हैं महात्मा गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ और डेथ 1948 में हुई। महात्मा गांधी से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट पे हम बात कर चुके हैं, हमने इस चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ी है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, इस चैप्टर के हाइलाइट्स किए हैं, इस चैप्टर के समरी सेशन को भी आपने कवर किया है। मैं एक शौकीन टीचर हूं, मेरी क्लास ऐसी ही होती है, हम लोग कंप्लीट कवर करते हैं चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेशन आपके साथ इस खूबसूरत यात्रा में आपका होस्ट बीके सिंह है, और इस सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से हम कवर करेंगे। आपने इसके पहले इस चीज के बारे में नहीं सुना होगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं। देखिए, इसको मैंने नाम दिया है आंसर टैग का। टैग का मतलब होता है जोड़ना। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता हो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, या आप इस चैप्टर का लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, उन दोनों ही सिचुएशंस में आंसर टैग आपकी बहुत मदद करेगा। कैसे, समझते हैं। पहले तो हम इसको समझते हैं कि हमने लिखा क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इज अ रिमार्केबल एसे, ये एक असाधारण निबंध है, रिटन बाई द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है, जो कि हमारे लिए राष्ट्रपिता का दर्जा रखते हैं। He was more a spiritual leader than a politician. वो एक राजनेता से ज्यादा कहीं आध्यात्मिक नेता थे। In this essay, इस प्यारे से निबंध में, he talked about sound foundation of Indian civilization and culture. इस ऐसे में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सही सलामत नींव की बात की है। He says that, वो कहते हैं कि, अब वो क्या कहते हैं ये चीज हम आगे की लाइन में देख रहे हैं। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन दरअसल बिहार बोर्ड ने 2020 में और 2018 में पूछा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी सभ्यता वास्तविक रूप में क्या है, क्या है ये सभ्यता। आंसर है इसका, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी अगर वास्तविक रूप से पूछा जाए, सच में पूछा जाए, तो सभ्यता कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, यानी सभ्यता वृद्धि में सम्मिलित नहीं है, बल्कि इन द डेलिबरेट, ये जान बूझकर और वॉलंटरी, यानी कि स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से, ये जानबूझकर और अपनी इच्छा से रिस्ट्रिक्शन, यानी कि पाबंदी, रोक टोक,
ऑफ वांट्स, इच्छाओं की। लाइन क्या कहना चाहता है कि सही वास्तविक समझ में जो सभ्यता है वह वृद्धि में शामिल नहीं है, इच्छाओं की वृद्धि में शामिल नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर और अपनी इच्छा से इन्हीं इच्छाओं पर पाबंदी लगाने में है। सभ्यता का मतलब इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, सभ्यता का मतलब है जानबूझकर, सोच समझकर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लगाना, अपनी इच्छाओं पर पाबंदी लगाना, ये है सभ्यता का मतलब। सभ्यता मीन्स कि हम सोच समझकर अपने ही मन पर नियंत्रण कर रहे हैं। हमारे यहां कहा भी जाता है कि धन का बढ़ना ठीक है, मन का बढ़ना ठीक नहीं है, उसी के बारे में गांधी जी ने बात की है। दिस अलोन इंक्रीजेस, ये अकेला बढ़ा देता है, सभ्यता अकेले बढ़ा देता है और बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है कंटेंटमेंट को, यानी कि संतोष को, ये संतोष को बढ़ावा देता है। अगर आपका अपने मन पे नियंत्रण रहेगा, आप संतुष्ट रहेंगे, रियल हैप्पीनेस, सच्ची खुशी होगी आपके पास, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, यानी कार्य की क्षमता वास्तविक खुशी और संतोष को अकेले बढ़ा देता है, ये अपने मन से अपनी इच्छा पर लगाया गया नियंत्रण, ये है सभ्यता का वास्तविक मतलब। अब देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है, यानी पूरे नंबर आपको शायद इस पर ना मिल सके, क्योंकि ये छोटा है। अब इस पे आपको अगर पूरे नंबर चाहिए, अगर आप कॉपी चेक करने वाले की हलक से अपना नंबर निकालना जानते हैं, क्योंकि जैसा आपको लगता है ना कि जो मैं लिख रहा हूं अच्छा लिख रहा हूं, आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आपकी कॉपी कोई और चेक करेगा, आपकी कॉपी को चेक करके फिर वो आपको जज करते हुए आपको मार्क्स देगा। तो कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर नंबर काटने से पहले 100 बार सोचे, और वो कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वही सब समझा रहा हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ये आंसर टैग कंप्लीट पहले लिखते जाएंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे रिटन बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, यहां उनका जन्म, यहां उनकी मृत्यु। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। आप चाहें तो इस लाइन को लिख भी सकते हैं, पर आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसे छोड़ दीजिए। इन दिस एसे, इस निबंध में, ही टॉक अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ही सेज दैट, अब दैट के बाद क्या करना है, इतना से आपने आंसर लिखना शुरू किया, दैट के बाद आपको सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वॉन्ट्स। दिस अलोन इंक्रीजेस एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, इसे लिख देना है, यानी कि आंसर टैग में ही इसे कंटिन्यू कर देंगे आप, दैट के बाद इसे कंटिन्यू ऐसे करेंगे जैसे लगे कि वो आंसर इसी का हिस्सा है, इसी के आगे उसे लिखते हुए जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका एक बड़ा आंसर तैयार होगा, संतोषजनक होगा, और उस पे आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे, और आंसर टैग एक ही याद करना है जो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन पर लागू होगा, उसे बेहतर कर देगा। तो ये है कम समय में ज्यादा नंबर लाने का अद्भुत तरीका, आसान तरीका। सेकेंड क्वेश्चन है, Why did our ancestor dissuaded us from luxuries? Luxuries का मतलब होता है ये सुख सुविधाएं जो हमारी हैं इन चीजों से। हमारे पूर्वजों ने हमें इन सुख सुविधाओं से क्यों रोक दिया, क्यों डिसऑर्ड किया उन्होंने, डिसऑर्ड क्यों किया, हमें रोका क्यों, हमें इन आधुनिक सुख सुविधाओं से क्यों रोकते थे हमारे पूर्वज,
ये प्रश्न बिहार बोर्ड ने 2019 के एग्जाम में पूछा था। यानी जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो कोई लल्लू पंजू सा क्वेश्चन नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे आंसर में, कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिसऑर्डर्ड रोक दिया अस, हमें फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, सुख सुविधाओं से, भोग विलास से, आराम से रोक दिया पूर्वजों ने। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू वो जानते थे दैट कि इफ अगर वी रन आफ्टर, अगर हम पीछे पड़ेंगे, लगे रहेंगे दिस एब्सर्ड, इन बेकार की चीजों में, अगर हम इन बेकार की चीजों में लगे रहेंगे, इन्हीं के साथ उलझे रहेंगे अगर, तो क्या होगा, वी वुड बिकम, हम बन जाएंगे स्लेव्स यानी कि गुलाम। अगर इन बेकार की चीजों के पीछे पड़ गए हम, तो हम गुलाम बन जाएंगे एंड लूज, और हम खो देंगे आवर मोरल फाइबर यानी अपने नैतिक चरित्र को। अगर हम इस बेकार की चीजों के पीछे पड़े रह गए तो हम गुलाम बन जाएंगे इन मशीनों के, इन भोग विलासों के, और तब हम अपने नैतिक चरित्र को खो देंगे। यानी सारा इंटेंशन किसका था, मोरालिटी का था, नैतिकता का था, एथिक्स का था, नीति का था, इंटेग्रिटी का था, सारा खेल यहीं पे है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास करने से रोक दिया। अब चूंकि इतना आंसर लिखना सफिशियंट नहीं है, इससे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, मेन बात तो आपने लिख ली है, अब जब आंसर लिखना तो आंसर टैग इसके पहले जोड़ देना, फिर आपका आंसर सजा धजा सुंदर सा बड़ा सा दिखेगा, और एग्जामिनर ना काटने से पहले 100 बार सोचेगा कि नंबर काट क्यों रहा हूं, इस स्टूडेंट ने तो अद्भुत लिखा है, डिटेल्ड स्टडी की है इस विद्यार्थी ने, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज महात्मा गांधी वॉन्ट हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे महात्मा गांधी जो है वो देशवासियों से क्या चाहते हैं, कि वो आधुनिक सभ्यता के साथ कैसा व्यवहार करें। गांधी जी क्या चाहते थे इंडियन से, वो क्या कहना चाहते थे इंडियन से कि आप आधुनिक सभ्यता के साथ कैसे पेश आइए, उसके साथ कैसा व्यवहार कीजिए, ये लिखना है आपको। तो आंसर लिखेंगे, मेरा मानना है ना कि प्रश्न को समझ लिया तो आधा आंसर तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। क्वेश्चन को समझ लिया मींस कि आधा आंसर आपने लिख लिया है, तैयार हैं आप उसके लिए। तो क्वेश्चन को भी दिल से समझना है हमें। क्वेश्चन में यही है कि महात्मा गांधी अपने देशवासियों से इस आधुनिक सभ्यता के साथ कैसा व्यवहार चाहते हैं। लिखेंगे, महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी कहते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, टेंडेंसी का मतलब होता है स्वभाव, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। तो भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो एलिवेट करने की है, ऊपर उठाने की है। भारतीय सभ्यता ऊपर उठाने की प्रवृत्ति रखता है, किस चीज को, मोरल बीइंग को यानी कि नैतिकता को। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को, इंसानियत मानवता को ऊपर उठाने की रही है। शुरू से भारतीय सभ्यता ने नैतिक होने पर बल दिया है, बट लेकिन दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वहीं पर जो ये पाश्चात्य सभ्यता है, पूर्व जो पश्चिमी सभ्यता है, इस टू प्रोपगेट, ये पाखंड करती है, ये प्रचार करती है इमोरलिटी और नैतिकता का। हम जितने ज्यादा नैतिक हैं, पश्चिमी सभ्यता उतनी ही अनैतिक है। He asked his countrymen, गांधी जी अपने देशवासियों से कहते हैं कि टू क्लिंग, आप चिपके रहिए, आप चिपके रहिए
टू देयर सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता से। हे भारत के लोगों, आप अपनी सभ्यता के साथ चिपके रहो, बट शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन आधुनिक सभ्यता से दूर रहो। अपनी सभ्यता के साथ उसी प्रकार से चिपके रहिए जैसे एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ की छाती के साथ चिपका रहता है। ये कहा था महात्मा गांधी ने। ये प्रश्न था आपका। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What was the great lesson that India had to teach the West? यानी वो महान पाठ, वो महान सबक, अध्याय क्या था जिसे भारत को सिखाना था पूरे विश्व को, खासकर पश्चिम को। यानी भारत देश पश्चिम को क्या सिखा सकता था, भारत देश पश्चिम के लोगों को क्या बता सकता था। आंसर टैग लिखने के बाद हम लिखेंगे, क्योंकि इतना आंसर लिखने से आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। भारत वैसे भी अतुल्य रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं है भाई साहब। जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम भारत में रहते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन, गर्व है हमें भारतीय होने पर। द ग्रेट लेसन, वो महान शिक्षा, दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, जिसे भारत को सिखाना था पश्चिमी सभ्यता को, वो क्या क्या है। लेसन्स ऑफ यूनिटी, एकता का पाठ, इंटेग्रिटी का पाठ, धर्म का पाठ, आत्मा का पाठ और विचारों का पाठ। तो यूनिटी, इंटेग्रिटी, रिलीजन, सोल और स्पिरिट, ये वो लेसन है जिसे भारत को सिखाना था, भारत सिखाता पश्चिमी सभ्यता को। पश्चिमी सभ्यता को भारत से यूनिटी सीखनी चाहिए, इंटेग्रिटी सीखनी चाहिए, रिलीजन सीखना चाहिए, सोल की शिक्षा लेनी चाहिए, स्पिरिट की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में भारत बहुत धनी है और सिखाया भी है इसने। चाहे आप मैक्स मूलर की बात करें, चाहे आप फाहियान ह्वेनसोंग इत्सिंग की बात करें, सबने सीखा है भारत से, बहुत कुछ सीखा है भारत से इन्होंने। लेकिन बच्चों, इतने से आपके नंबर नहीं मिलने वाले, तो आप क्या करोगे बेटा, आप आंसर टैग करोगे, कंप्लीट आंसर विथ आंसर टैग। यह मैंने आपको दिखा भी दिया है कि आप लिखोगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे written by the father of nation Mahatma Gandhi. He was more a spiritual leader than a politician. In this essay, he talk about sound foundation of Indian civilization and culture. He says that, अब यहां से आपका ये आंसर शुरू होता है। ये जो क्वेश्चन था ना हमारा, what was the great lesson that India had to teach the West, वो अब शुरू होता है। The great lesson that India had to teach the West was the lesson of equality, integrity, religion, soul and spirit. ऐसे लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यही करना है, यही मैं आपको बताना चाहता था। What according to author is modern civilization? लेखक के अनुसार ये आधुनिक सभ्यता क्या है? या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण क्या है। गांधी जी ने एक जगह लिखा था बहुत जबरदस्त लाइन कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, मींस आधुनिक सभ्यता का अर्थ है वर्शिप ऑफ मटेरियल, पूजा करना वस्तुओं की, वस्तुओं की, भौतिकता की पूजा करना, विच क्रिएट्स, जो बनाता है ब्रुटिलिटी, पशुता इन अस, हमारे अंदर, जो हमारे अंदर पशुत्व को, पशु के गुण को पैदा करता है, हमें हैवान बनाता है, इंसान नहीं बनाता। आधुनिक सभ्यता का मतलब है भौतिकता की पूजा जो हमारे अंदर पशुता का निर्माण करती है। इट्स नथिंग, ये कुछ नहीं है बट द ट्रम्फ ऑफ मैटेरियलिज्म,
ये केवल भौतिकतावाद का विजय है, वस्तुओं की विजय है ये, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ये आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है, ये बस विजय है मैटेरियलिज्म का, भौतिकवाद का। इसमें भी आप आंसर टैग करके जब लिखोगे तो आंसर बड़ा दिखेगा, नंबर पूरा मिलेगा। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, हमारे पूर्वज कैसे देखते थे बड़े बड़े शहरों को। वाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, वो छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट क्यों थे। हमारे पूर्वज छोटे गांवों से संतुष्ट थे, बड़े शहरों से उन्हें बड़ी प्रॉब्लम थी, क्यों थी। उसका आंसर है कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज व्यूड दैट, वो देखते थे कि लार्ज सिटीज, जो बड़े बड़े शहर हैं, वर ट्रैप, ये तो जाल है, बड़े बड़े शहर जाल है, एंड यूजलेस बर्डन, और ये बेमतलब के बोझ है, कोई मतलब नहीं है इनका, बेमतलब के बोझ है। वेयर मेनी वाइसेस, जहां बहुत सारी बुराइयां, जहां बहुत सारी बुराइयां वर फ्लसिंग, फलती फूलती हैं। दे वर सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट थे विद स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव से। बिकॉज दे एंजॉयड, क्योंकि वो आनंद लेते थे, ट्रू होम रूल्स, सच्चे गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ जीवन का वो आनंद लेते थे, परिवार में रहते थे, जीवन का आनंद लेते थे। उन्हें भाग दौड़ की दुनिया से मतलब नहीं था। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता अलग कैसे है यूरोप की सभ्यता से, क्या क्या बताएं? चाहूं तो इस पे किताब लिख सकता हूं मैं, डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट चैप्टर के आधार पे हम लिखेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता पूरी तरह से, भारतीय सभ्यता पूरी तरह से अलग है यूरोपीय सभ्यता से। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का स्वभाव, इज टू एलिवेट मोरल बीइंग, मानवता को, नैतिकता को बढ़ावा देना है। वेयर एज, जबकि द यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता प्रोपगेट्स इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देती है, इसी का प्रचार करती है। द लेटर इज गॉडलेस, लेटर ये जो बाद वाली सभ्यता है ना, पश्चिमी सभ्यता, यूरोपियन सभ्यता, ये बाद में आई है और ये गॉडलेस है, ईश्वर रहित है, ईश्वर में यकीन नहीं करती। वेयरएज, जबकि द फॉर्मर इज बेस्ट ऑन बिलीफ इन गॉड, जो प्राचीन भारत की सभ्यता है, पूर्व की जो सभ्यता है, वो बेस है, वो निर्भर करती है ईश्वर के भरोसे पर। अब तुम्हारे हवाले, हे भगवान, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये भारत की सभ्यता है जो ईश्वर पे निर्भर करती है, यूरोप की सभ्यता को ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, वो सूरज को तारा मानती है। How did our ancestors enjoyed true home rules? हमारे पूर्वजों ने एक सच्चे गृहस्थ नियमों को कैसे enjoy किया, कैसे आनंद उठाया उनका? तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने enjoy किया इन सच्चे घरेलू नियमों का, because क्योंकि they lived, वे रहते थे independently, स्वतंत्रता पूर्वक, and followed their agricultural occupation, और अपने इस कृषि से संबंधित पेशे में लगे रहते थे, which was free, जो मुक्त था, जो आजाद था, जो मुक्त था from the evils of the city, शहरों की बुराइयों से, जो शहर की बुराइयों से मुक्त था। हमारे पूर्वज घर में रहते थे, स्वतंत्र रहते थे, खेती बाड़ी के कामों में लगे रहते थे, शहर की कोई भी बुराई उनके साथ नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स,
ये थे आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ऐसे ही तमाम कॉन्सेप्ट ट्वेल्थ क्लास बिहार बोर्ड के लिए मैं आपके बीच लाता रहूंगा। कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट काम की वजह से, व्यस्तता की वजह से हम रेगुलर नहीं हो पाते क्योंकि हम यूट्यूबर्स नहीं हैं, लेकिन आपकी सफलता में, आपके लक्ष्य में, आपके अथक परिश्रम में हमारा सहयोग हमेशा से शामिल रहेगा। मैंने प्रॉमिस किया है कि इस बार मैं अपने प्रॉमिस से हटूंगा नहीं और एग्जाम से पहले ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और मैं ये वादा करता हूं आपसे, आज फिर वादा करता हूं इस तिरंगे के नीचे, कि मैं कंप्लीट सिलेबस इस यूट्यूब पर आपके लिए ऐसे ही आनंद से भरपूर, आराम से, मोहब्बत से पढ़ेंगे हम। एक टीचर से बड़ा देशभक्त कोई नहीं होता। सारा देश देशभक्ति दिखाएगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को। हम रोज अपने क्लासरूम में भारत के नए भविष्य को रचते हैं, हम रोज अपने क्लासरूम में भारत का निर्माण कर रहे होते हैं। एक शिक्षक से बड़ा देशभक्त सच में कोई नहीं हो सकता। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम शिक्षक हैं। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।